Hello friends, my name is Avagesh, माइंड ट्रेनर और लाइफ मैनेजमेंट कोच विद ब्रेन एक्टिवेटर। आज मैं आपको बहुत बढ़िया एक चीज़ बता जा रहा हूँ कि आप अपने बच्चे की डेवलपमेंट चाहते हैं, उसका भविष्य आप ब्राइटन बनाना चाहते हैं, आपके बच्चे की जो भी समस्या है उसका हल आपको चाहिए, जैसे टीवी, मोबाइल, गुस्सा करना या फिर पढ़ाई में कमज़ोर या वो सुनता नहीं है ऐसी बातों को, तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप बच्चों के प्रॉब्लम्स फेस करते हो, तो उन सभी प्रॉब्लम्स में कुछ चीज़ें होती है जो शायद हम देना भूल जाते हैं या फिर हम कोई पेरेंट्स जो है गलती करते हैं। तो ऐसे ही गलती के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। और आपकी गलती को थोड़ा सा मे बी आप नहीं भी करते हो लेकिन कोई पेरेंट्स करते हैं, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या एक्शंस लेनी है उसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो माय फ्रेंड्स कि ये वीडियो को आपको पूरा देखना है। पहला चीज़ है कि बच्चे को हम जब भी वो कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया सीखता है या फिर वो कुछ भी कर रहा है, तो अगर वो गलती करता है तो हम हमेशा उसे रोकते हैं या फिर उसको हमेशा टोकते रहते हैं कि अरे वो देख कितना अच्छा कर रहा है, वो देख उसको कितना ज़बरदस्त आता है, अरे अरे टीवी पे अगर प्रोग्राम है, अरे देख कितना अच्छा वो गाना गा रहा है, तुझे नहीं आता, तुझे कुछ नहीं आता। अगर ऐसे करते हैं तो बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा स्लो हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस डल होने लगता है। तो बच्चे को कभी भी कंपेयर नहीं करना है दूसरे बच्चों के साथ। आपका बच्चा यूनिक है, आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो कोई भी बच्चे के अंदर नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कभी भी ये नहीं कहना है कि वो कितना अच्छा है, वो कितना ज़बरदस्त कर रहा है, तुझे क्यों नहीं आता, या फिर ऐसे हम उसे टोकते रहते हैं। तो ये पहली गलती है जो आपको रोकनी है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि अगर ये फीमेल्स आप हो या आप देख रहे हैं जो मम्मी होती है, आप मुझे बताइए जब आपने खाना बनाया और आपके हस्बैंड है खाना खा रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं होटल का जो खाता हूँ उसके अंदर जो टेस्ट है वो बढ़िया है, या फिर मैं जो दोस्त के पार्टी में हम गए थे या वो भाभी ने बनाया था जो भी खाना वो बहुत अच्छा था, अगर ऐसे कहते हैं तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। अगर पापा भी देखते हो तो माय फ्रेंड्स आपको भी पता चलेगा कि अगर कोई कंपेरिजन होता है तो उस समय पे हमारा जो भी मानो कि गुस्सा है या फिर जो कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगता है। उस समय पे आपको करना क्या है, मोटिवेशन देना है, उसको सपोर्ट करना है बच्चे को। कैसे सपोर्ट करना है, कैसे मोटिवेट करना है, बच्चा तू कर सकता है, तेरे अंदर जो ताकत है मैं तुझे मदद करता हूँ। सो माय फ्रेंड्स इस तरह से आपको उसको सपोर्ट करना है, मोटिवेशन देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कंपेयर नहीं करना है, आपका बच्चा यूनिक है। एग्जाम्पल मैं और भी देना चाहता हूँ, जो सेकेंड चीज़ होती है वो क्या है, बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसे कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर, कितनी बार तुझे कहा कि पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। अभी ये कहने से अभी ये जो प्रॉब्लम है ये आपने पहले क्रिएट किया है, लेकिन मैं आपको बताऊँ अगर आपने शुरू से या फिर जो भी पेरेंट्स हैं, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, जैसे मेरी बेटी अभी 4 साल की है, लेकिन मैं उसे पढ़ाई करना ये कभी नहीं कहता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि बेटा चल हम खेल खेलते हैं। तो ये जो खेल है, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना उसके अंदर जो पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये जो हम हीटिंग करते हैं और उसके ऊपर मानो कि एक माइंडसेट या फिर एक एंकरिंग होती है कि पढ़ाई मानो कि नहीं 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 नहीं, गेम बच्चों को हमेशा अच्छा लगता है, तो बच्चों गेम खेलना है। तो अभी मैं उसे जो है लॉकडाउन के बेरेट चल मैं उसे सिखा रहा हूँ, तो उस समय पर बच्चों को अगर कोई गलती होती तो मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, बेटा वाह कितना अच्छा तूने ये किया है, या फिर उसे मैं 1-2 सिखा रहा हूँ या फिर ABCD या स्पेलिंग बनाना सिखा रहा हूँ। तो अगर वो गलती करती है तो ये गेम के जरिए से हम उसको सिखा रहे हैं, और जो भी उसको मानो कि किया उसने अच्छा तो उसको क्लैप हो जाते हैं, अगर उसने गलती भी किया तो भी क्लैप हो जाते हैं। तो होता क्या है कि उसको एक गेम जैसा लगता है और उसको अप्रिशिएशन मिलता है, और वो मानो कि ऐसा लगता है कि वो हमेशा मुझे पेरे पास आती है, कहती कि अभी हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो हमेशा पढ़ाई मानो कर रही है लेकिन वो हमने गेम बना दिया है। तो आपके बच्चों को भी गेम बनाना है। दूसरा एक चीज़ है, वो शायद हम गलती करते हैं कि होता क्या है, जब भी हम कोई चीज़ घूमने जाते हैं या फिर
कोई चीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चा उस समय पे वहाँ पे है वो बहुत ज़िद करता है, क्या जैसे बलून लेना है या फिर वो टॉय लेनी है या फिर वो चिप्स लेनी है या फिर वो चॉकलेट लेना है, तो ऐसे बच्चा रोता है, चिल्लाता है। उस समय पे हम उसे डांटते हैं, चिल्लाते हैं, शांत बैठ, तुझे नहीं दूंगा मैं, या फिर नहीं 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 कहते। वो रोने लगता है और चिल्लाता है जोर जोर से। अभी वो इतना रोता है कि हम उसके हार मान जाते हैं और वो चीज़ या वो भी चॉकलेट है या फिर खिलौना उसे दे डालते हैं। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो क्या है, बच्चा अगर रो रहा है और हम कोई चीज़ उसे देते हैं तो उसका माइंड सेट बन जाता है कि रोने से मुझे चीज़ मिल जाती है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है कि आपको बच्चा रोता है तो कोई भी चीज़ उसको देनी ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि जब मेरी बेटी मेरे साथ होती है और उसको कोई चीज़ चाहिए, वो रोती है, तो वो रोने के बाद में उसको देता ही नहीं हो, तो उसका भी माइंडसेट होता है कि वैसे तो वो मिलने ही वाली नहीं है, तो उसको लगता है कि पापा उसको नहीं देंगे। लेकिन जो भी चीज़ उसको चाहिए तो मैं उसे मानो कि मेरे हाथ से उसको ले कर उसको देता हूँ, वो बहुत बड़ी मानो कि उसको अच्छा लगता है, वो खुश हो जाती है। तो बच्चे को रोने नहीं देना है। रोने से पहले आप उसको दो, या फिर आप वो चीज़ नहीं देनी है तो रोने के बाद मत दो, रोने दो, क्योंकि उसका माइंडसेट बाद में न बन जाए कि रोने से मुझे मिल जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है बच्चे की डेवलपमेंट, उसके फ्यूचर की हम मानो कि ब्राइट बनाना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार के टिप्स या इसी प्रकार के जो भी साइकोलॉजी है बच्चे की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काफ़ी लोग नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में आप कुछ चीज़ें चाहते हैं तो उसे भी आप दे सकते हो। आपने इतने लंबे समय तक वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मैं औरंगाबाद क्लास से बोल रही हूँ। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो, मतलब अभी बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए, इतना ये कोर्स अच्छा है। और मेरे जीवन में योगेश सर के जरिए से वो मसीहा आया है, फरिश्ता आया है, और उस फरिश्ते को सभी पेरेंट्स की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सर। माझं नाव अनुज मनोज माली आहे। मी योगेश दहिंडे सरांकडे क्लास लावलेली आहे। पहिले मला मेडिटेशन करायला आवडत नव्हतं, तर आता मला खूप आवड आहे मेडिटेशन करायला। मी मोबाईल खूप खेळायचो, आता माझ्या आता मी मोबाईल नाही खेळत। मला माझ्या स्टडीमध्ये मला कॉन्सन्ट्रेट नाही होत होतं, तर आता खूप कॉन्सन्ट्रेट होत आहे। मला एक्झाममध्ये खूप मला एक्झाममध्ये चांगले मार्क्स नाही पडायचे, आता पडायला लागलेले। नमस्ते, माझं नाव डॉक्टर गीता माळी। मी माझ्या दोन्ही मुलांना श्री योगेश दहिंडे सरांकडे औरंगाबाद इथे क्लासेस लावलेले आहेत। सुरुवातीला मी माझ्या मुलीला लावले ते, तिच्यामध्ये खूप छान अगदी 1.5-2 मिनिटच खूप सुंदर तिच्यामध्ये फरक जाणून आला। त्याच्यानंतर मग मी मुलाला लावले, तर दोघांमध्येही खूप छान फरक जाणवला आहे। दोघांची मेमरी, स्मरणशक्ती, कॉन्सन्ट्रेशन बऱ्यापैकी वाढलं आहे। दोघं एकत्र असताना पहिले खूप भांडायचे, पण आता ते खूप कमी झाले। दोघं एकमेकांना अगदी चांगल्या पद्धतीने समजून घेत आहेत, आणि म्हणजे हे जे मेडिटेशनची त्यांना खूप आवड निर्माण झाली त्यांच्यामध्ये। स्वतःहून ते म्हणतात की आई आम्हाला मेडिटेशन करायचं, आणि टी व्ही बघणं, मोबाईल बघणं हे कमी झाले, प्रमाण खूप खूप जास्त कमी झालं। त्या मुलांकडे बघून मला खूप छान वाटतं। फक्त माझीच मुलं नाही तर क्लासमधले प्रत्येक मुलांमध्ये खूप छान इम्प्रूव्हमेंट आहे। सगळ्यांचे पालक अगदी समाधानी आहेत की ज्या गोष्टीसाठी आम्ही क्लास लावला त्याचे रिझल्ट आम्हाला खूप लवकरात लवकर मिळाले, आणि मुलांवर खूप छान संस्कारही होत आहेत। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं,
क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुल आंखों से देख ले, मुट्ठियों को भींच गए सांसों घर पर जाने।